हेलो गाइस, तो यार कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो आज हम कुछ इस तरह की ट्रेंडिंग रील आप लोगों को बनाना सिखाएंगे। तो इस तरह की रील जो है इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, तो आप लोग भी जो है अपनी इस तरह की रील बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस तरह की रील को जो है बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो हमें एक ऐप की ज़रूरत होगी, जिसका नाम है VN। तो VN ऐप को मैं ओपन कर लेता हूँ। आप लोग सिंपली इसे प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके बाद आप लोगों को इसे ओपन कर लेना है। तो मैं अभी अपने VN ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने जो अपने VN ऐप को ओपन कर लिया है, तो सबसे पहले तो आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो नीचे आप लोगों को प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, तो प्लस के आइकन पर आप लोग क्लिक कर देना है। और उसके बाद ये न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन आप लोग दिखाई दे रहा है, तो न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है आप लोगों को। तो ये नीले वाला ऑप्शन जो है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, तो ये 4 सेकंड वाली जो वीडियो है इसे ऐड कर लेना है, ठीक है? तो इस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है? तो इस वीडियो को ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, तो फोटोज़ वाले ऑप्शन पे चले जाना है, ठीक है? तो फोटो वाले ऑप्शन पे जाने के बाद ऊपर ये ऑल वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। और जिस भी फोल्डर में आपकी फ़ोटो है वहाँ से आप लोगों को क्या करना है, 13 फोटो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है? तो इस वीडियो के अलावा हमें 13 फोटो सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं इसके अलावा 13 फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट से, और आप लोगों को दिखा देता हूँ 13 फोटो सिलेक्ट करके। तो मैंने जो है अपनी 13 फोटो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप लोग इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है ब्लू कलर का। तो मैं एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो हमारी तो ऐड हो चुकी है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, तो ऊपर आप लोगों को ओरिजिनल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आप लोगों को साइज़ आएंगे बहुत सारे। तो 9x16 वाला साइज़ जो है सिलेक्ट कर लेना आप लोगों, ठीक है? तो उसके बाद हमें क्या करना है, तो इतना कर देने के बाद जो हमें पीछे की तरफ आना है, और जो आप लोग क्या करना है, ये जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है तो इसे आप लोगों को डिलीट कर देना है, ठीक है? तो इतना कर देने के बाद हमें क्या करना है, तो अभी हम क्या करना है, तो सबसे पहले तो हमें जो है इन फ़ोटो की जो है लेंथ को जो है छोटा कर लेना है। और तो पहले हमें इसमें जो है सॉन्ग ऐड कर लेते हैं। तो ऐड म्यूजिक पर क्लिक करके म्यूजिक पर क्लिक करना है, और म्यूजिक क्लिक कर देने के बाद ये प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है आप लोगों को ऊपर, इस पर क्लिक कर देना है। और थर्ड नंबर पर एक्सट्रैक्ट वीडियो है, इस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद जो है ये वाली रील है, इसका ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लेनी है आप लोगों को। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपली आप लोग क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है, तो इसकी जो है ऑडियो एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगी, ठीक है? तो उसके बाद इसे यहाँ से चूज़ कर लेना है, और यहाँ से इसे डन करके ऐड कर लिया हम लोगों ने। तो इतना कर देने के बाद हमें क्या करना है, तो देखिए इसमें जो ऑडियो ऐड हो चुकी है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, तो इन फ़ोटो की जो है जो लेंथ है या फिर ड्यूरेशन जो भी कहें आप लोग, तो इनको जो हमें 50 सेकंड तक कर देना है, ठीक है? तो मैं आप लोगों को फ़ोटो पे क्लिक करना है, और नीचे आप लोगों को ऑप्शन दिखाई दे रहा है ट्रिम का, तो ट्रिम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और 1 सेकंड पे क्लिक कर देना है, ठीक है? और 15 सेकंड तक, 50 सेकंड तक, तो 50 सेकंड, 0.50 सेकंड तक आप लोगों को सभी फ़ोटो को रख लेना है, ठीक है? तो फ़ोटो पे क्लिक करना है, ट्रिम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, 1 सेकंड पे क्लिक करना है, और 0.50 सेकंड तक कर देना है, ठीक है? तो सभी फ़ोटो को आप लोगों को इसी तरीके से क्लिक करना है, फ़ोटो क्लिक करके ट्रिम पे क्लिक करना है, 1 सेकंड पे क्लिक करना है, और यहाँ से जो इसको 50 सेकंड तक रख लेना है, 0.50 सेकंड, ठीक है? तो आप लोग देख पा रहे होंगे, तो मैं इसी तरह सभी फ़ोटो को आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। तो आप लोग अच्छी तरह समझ में आ चुका हो कैसे करना है। तो आप लोग क्या करना है, 0.50 सेकंड सभी की जो है लेंथ या फिर ड्यूरेशन जो भी कहें आप लोग, इतनी रख लेनी है, ठीक है? तो मैं आप लोगों को सभी की जो है लेंथ को इस तरह से करके आप लोगों को आगे दिखा देता हूँ। ऐसे तो जो हमारी वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है? तो आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा कैसे करना है, तो मैं आप लोगों को आगे करके दिखा देता हूँ। तो मैंने जो है सभी फ़ोटो को 0.50 सेकंड तक कर लिया है। तो उसके बाद आप लोग क्या करना है, तो आप लोग क्या करना है, तो सिंपली आप लोगों को तो ये वीडियो हमने ऐड की थी 4 सेकंड वाली, तो इससे आगे जो ये फर्स्ट में आप लोगों को एक प्लस का आइकन दिखाई देगा, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट में ये फ़ोटो जहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी, यहीं से हमारी जो है प्लस का आइकन आप लोगों को दिखाई देगा, तो उस पर क्लिक कर देना आप लोगों, ठीक है? तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कहाँ पर है। आप लोग चाहें तो इसमें इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, या फिर रहने भी दे सकते हैं। तो प्लस के आइकन पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर जूम इन या फिर जूम वाला, इनमें से एक आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? तो मैं जूम वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई टू ऑल, ठीक है? अप्लाई टू ऑल कर देना है, ठीक है? तो हमारा जो है सभी में ऐड हो चुका है। तो आप लोग क्या करना है, तो इसके बाद तो जो हमारी वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है, तो ये एक रह चुका है, तो मैं इसमें भी ऐड कर देता हूँ। तो इतना कर देने के बाद जो हमारी वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है, तो मैं अभी आप लोगों को इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो ऑडियो आप लोगों को नहीं सुनाई देगी, तो आप लोग ऐसे इसका प्रीव्यू देख सकते हैं।
तो मैं आप लोगों को इसे चला करके दिखा देता हूँ। देखिए तो हमारी जो परफेक्ट तरीके से जो है वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Around at you right now, I ain't trying to tell you what to do, we're trying to